देर से आए मगर दुरुस्त आए। बड़ा जबरदस्त धमाकेदार सीन था इस फिल्म का, शूट आउट बड़ाला, जो 3 मई को रिलीज हो रही है। और आज हमारे लिए बहुत 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 ही इमोशनल दिन था, काफी सालों के बाद हमें काम करने का मौका मिला एक दूसरे के साथ, और बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया वाकई जेन्युइनली। कलयुग देरी, बट क्या मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक आध दो फिल्में साथ में करते हैं और उससे ज्यादा या एक फिल्म करते हैं, और हमने तो मेरे से 12-15 फिल्में साथ में की हैं। तो समझ भी नहीं आता क्यों ऐसा। मैंने काफी मुझे तो बहुत मजा आता है, जितने ज्यादा कलाकार हों फिल्म के अंदर उतना काम करने का मजा आता है। एक किस्म का एक यू नो होता है, चलो यार कोई यंग एक्टर को देखता हूँ तो दिल उससे सीखने को मिलता है, किसी सीनियर एक्टर के साथ काम करता हूँ तो उससे सीखने को मिलता है। तो मैं तो हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि मुझे हमेशा मौका मिलता रहे लोगों के साथ काम करने का, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं और कुछ अच्छी चीजें उनसे ले सकूं, तो बहुत मजा आता है मुझे। जी, ये आफाक बागरान का जो मेरा कैरेक्टर है शूट आउट बड़ाला में, वो डेफिनेटली जो इसाक भगवान साहब हैं उनके पर बेस्ड है, और उसको हमने फिक्शनलाइज किया है। और एक कमर्शियल फिल्म है तो डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, तो कुछ लिबर्टीज हमने ज़रूर ली है, मगर काफ़ी हद तक रियल है ये फिल्म, ये कहानी और उन पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आपको फिल्म देखकर। एक कमर्शियल फिल्म है, एक मेन स्ट्रीम फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत यू नो के एक रियल कहानी यू नो, और इतना कंटेंट और इतना साथ में गाने हैं, साथ में ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। और कुछ फिल्म आप जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कुछ यू नो देर इज़ समथिंग टू, कि आप जब फिल्म देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फिल्म आप भूल जाएंगे। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो चलती भी हैं, कामयाब होती हैं, पर फिल्म देखकर आप भूल जाते हैं, पर ये फिल्म मुझे लगता है काफ़ी अरसे तक लोगों को याद रखती है। नहीं वो नहीं, आप काम की बात ये है कि राम लखन में मेरी भाभी बनी है, और वो गाना था राम जी, और राम जी बड़ा प्यार से बहुत खूबसूरती से किया था, बड़ा मुश्किल शॉट था। सुभाष जी भी बोल रहे थे कि कैसे ये कैसे करेंगे, तो जब मैं बैठा था वहाँ पे सामने और विलन के डेन में, और मेरी अनिल जी की गर्लफ्रेंड मेरी भाभी को ऐसे एक तमाशा बना के वो राम जी गाना गाना था, पर जिस हिसाब से उनकी उनका ग्रेस, उनकी बातें, वो छोटे से लेके बड़ों को एक ही समझता है, और उन्हें जो ग्रेस है मुझे नहीं लगता कि कहीं दिखाई देता है। एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, और वो लेवल जो है वो मधुबाला जी, वो जो सीनियर एक्टरों के जो पसंद करते थे उसी किस्म की औरत हैं वो। एक बहुत खूबसूरत डांसर है, स्माइल करती है तो पूरा चमक जाता है। और अनिल जी ने और उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत पिक्चरें की हैं, और एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने भी कुछ किए हैं, कहीं मेरी पत्नी बनी है, कहीं गर्लफ्रेंड बनी है, देवदास में एक तवायफ बनी है हमेशा, नहीं मतलब रोल हर किस्म के रोल उन्होंने मेरे साथ अदा किए हैं, और मेरा कॉम्बिनेशन तो खूबसूरत रहा ही है, मगर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो लेजेंडरी बोलते हैं ना, और रोमांटिक कॉम्बिनेशन होता है वो इन दोनों का रहा है। बहुत भारी सीन, अच्छा सीन था, और आज का दिन फिल्म का भी आखिरी दिन है, और इंस्पेक्टर का रोल, कमिश्नर का रोल कर रहा हूँ इंस्पेक्टर के साथ, तो यही देखकर मज़ा आ रहा है कि इतने पिक्चरें साथ में की हैं, जहाँ राम लखन स्पेशली, जहाँ पे एक बड़ा सा रंगीला इंस्पेक्टर बना था जो कि हमेशा उल्टा ही काम करता है, और आज जाकर मैं जब कमिश्नर बन गया और ये जाके एक अच्छा सुधरा हुआ इंस्पेक्टर बना, देखकर अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये कभी कभी तो सुधरना होता है। ये जो लग रहा है आज, ये मेरा लखन है, और आज इन्होंने जो काम किया है और जो कर रहा है, और जो आज मेरे साथ सीन भी किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बेसिकली इतने साल के बाद साथ आए हैं, ऐसा लगा नहीं कि बहुत साल हो गए, क्योंकि केमिस्ट्री वही थी, वही का वही बोमा बम, वही का वही लाइन भूलना, लाइन याद रखना, इनके खाना भी कुछ अच्छा खूबसूरत, एक मुझे मूसली करके कोई चीज़ें खिला दिया, बड़ा भूख लगा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि मैं बोला कि खाना खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, तो इन्होंने बोला ये खा ले इससे सही होगा। तो एक भाई सोच सकता है कि अपने घर का, हमेशा मैं माथेरान जाता था तो इनके यहाँ चेंबूर में इनके मम्मी के यहाँ रुक के खाना खा के जाता था, और जब भी हम लोग शूटिंग करते तो टिफिन भी ले आता था ये, तो ये पहली बार उसने टिफिन लाया जिसमें पहले तो कुछ नॉनवेज का प्रोटीन के लिए और खाना पड़ता है इनको, ये खाते हैं, मगर उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा एक मूसली का एक डब्बा, पूरा डब्बा सैक्रिफाइस कर दिया, आधा रखा हूँ, खा लेना आधा रखा।